मित्रों सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि सब कुछ कुशल मंगल होगा, बढ़िया होगा। और मैं अपने विचारों के साथ पुनः उपस्थित हूँ। देश में कुछ ऐसा हो रहा है कि हर तरफ नफरत का दौर चल रहा है, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान। कुछ ऐसे नेता हैं जो देश में रहने वाले लोगों के बीच जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हमें इनसे बचना होगा। इसलिए कहा है कि सारी जो सब्जियां हैं वह मुसलमान की हो जाएंगी, और हिंदू के पक्ष में केवल टमाटर और गाजर ही आएंगे, संतरे आएंगे। इसी तरह से इंसान ने जानवरों के बीच में भी फर्क कर दिया, और गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। कहते हैं कि तरबूज की क्या हालत होगी, वो बेचारा किधर को जाएगा, वो बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू हो गया। तो अपने देश को संभालने की स्थिति बन गई है, लोगों को संभालना होगा। और देश में रहने वालों को समझाना होगा वो हिंदू मुस्लिम ना करें, अपने बीच एकता बनाए रखें। और जैसे नारियल, कुछ लोग कहते हैं कि नारियल हिंदू का है और खजूर मुसलमान का है, गेंदे का फूल मंदिर में चढ़ाया जाएगा और कुमुदनी का फूल जिसे लिली कहते हैं वो मजार पे चढ़ता है, तो लोगों ने फूलों को भी बांट दिया। कुछ इसी तरह से देश में आज मंदिर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन फर्क इंसान इंसान के बीच में जो फर्क करता है वह अच्छा इंसान नहीं है, और लोगों को इससे बचना होगा। आप वोट ऐसी पार्टी को दें जो देश को विभाजित ना करे, जो हिंदू मुस्लिम में फ़र्क ना करे, जो न कहे कि मंदिर है ये मस्जिद है, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपस्थित है, लोगों के हृदय में बसता है। और इसने भी यह फर्क किया, वो इंसान नहीं। तो मित्रों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जागे, लोगों को जागरूक करें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, अपने वोट का महत्व समझें और लोगों को चुनें जिससे वे का विकास करें, न कि पैसे का बंटाधार करें। और मतदान के समय वोट लेकर गायब हो जाए, फिर 5 साल ना दिखें। तो आप जागिए, लोगों को जगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।